हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। इस वीडियो सीरीज़ के लिए मैंने जावा को सिलेक्ट करा है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जावा के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट इज़ जावा? जावा क्या है? इसका सिंपल आंसर ये है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। जावा एक हाई लेवल रोबस्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर हाई लेवल का मतलब है कि कितना ज़्यादा लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली है, कितना सा आसान है उसकी प्रोग्रामिंग करना। इस फीचर को हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताऊँगा। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। जावा में मेमोरी को मैनेज करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये सारा काम जावा खुद ही करती है। इसके लिए जावा प्रोग्रामिंग में मेमोरी से रिलेटेड एरर काफ़ी कम आते हैं C++ या C लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हुए। जावा पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रन कर सकें, और जावा अपना खुद का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या JRE भी कहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम JRE को सपोर्ट करता है तो वहाँ पर आपके जावा के प्रोग्राम रन हो जाएंगे। मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर जैसे विंडोज़, मैकिंटॉश, लाइनेक्स, ये सारे ही JRE को सपोर्ट करते हैं। अब जावा की हिस्ट्री के बारे में। जेम्स आर्थर गॉसलिंग ने जावा लैंग्वेज लिखी थी और डिज़ाइन की थी जून 1991 में। पहले जावा लैंग्वेज का नाम ओक था, फिर कभी कभी उसे ग्रीन भी कहते थे। सन माइक्रोसिस्टम ने जावा का पहला वर्जन जावा 1.0 रिलीज़ किया था 1995 में। राइट वंस रन एनीवेयर, ये एक फीचर है जावा का, जिसका मतलब आपने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में या जिस हार्डवेयर पे जावा का कोड लिखा है वो कोड हर प्लेटफॉर्म पे रन होगा। ऐसा सी और सी प्लस प्लस के साथ पॉसिबल नहीं था। जावा किन लैंग्वेजेस पे बेस्ड है? जावा ज़्यादातर सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। सी एक काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसने पहली बार प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए थे। इसी लैंग्वेज में बताया गया था कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाए और उसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। जावा का कंपाइलर भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें क्लीन पोर्टेबिलिटी बाउंड्री का फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से जावा का जो कोड है या जावा का जो प्रोग्राम है वो किसी भी दूसरी मशीन्स में पोर्ट किया जा सकता है बिना किसी मेहनत के। बहुत आसानी से पोर्ट हो जाता है। C++ सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस ऐड किए गए थे। इसलिए जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है। तो जावा जो है C++ और सी, इन दोनों पे ही बेस्ड है। C++ और जावा, मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और उनको सपोर्ट भी करती हैं, बट दोनों में फ़र्क है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप पे बेस्ड है, बट जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। C++ ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, बट जावा इंटरनेट या मोबाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। C++ वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट नहीं करती है, इसी रीज़न की वजह से जावा को डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। जावा के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और जिसमें है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिंपल है। सिंपल का मतलब काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली है, सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी के काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, मतलब आप कोई भी हार्डवेयर रन करें, कोई भी प्रोसेसर, वो भले ही इंटेल का हो, AMD का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जावा सब प्रोसेसर्स पे रन करती है। जावा पोर्टेबल है, जावा रोबस्ट है, जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। मल्टी थ्रेडिंग एक काफ़ी एडवांस टॉपिक है, जो मैं आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा। जावा हाई परफॉर्मेंस है, और जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जावा इंटरनेट को हैंडल कर रही है, इसलिए जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स को भी मैनेज करती है। आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए जावा की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए? पहली बात तो आपको एक मशीन चाहिए, कंप्यूटर जिसमें विंडोज़, मैकिंटोश या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हो, और फाइनली जावा डेवलपमेंट किट चाहिए। अब ये जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल कैसे करते हैं और ये क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, मतलब आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा।
और एक माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड या कोई भी ऐसा टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप लिख सकें प्रोग्राम को या कोड को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।